That's it. Sir. सर 2019 वर्ल्ड कप के बाद धोनी की वापसी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। इसी बीच धोनी की तरफ से भी एक बड़ा हिंट मिल चुका है। दरअसल हुआ ये कि नवंबर आखिर में धोनी एक वॉच इवेंट में मौजूद थे, जहां पर जाते वक्त रिपोर्टर ने उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहा, तो धोनी ने जाते वक्त इतना कहा, जनवरी तक मत पूछो। धोनी का ये कहना कि जनवरी तक मत पूछो, तो इसका मतलब है कि जनवरी में धोनी को लेकर काफी बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। अब दो ही चीज हो सकती है, या तो धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे। धोनी के रिटायरमेंट के तो कम ही चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि धोनी ने अगर रिटायरमेंट लेना होता तो अभी तक ले चुके होते। उन्होंने पिछले 6 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली, फिर भी वो रुके हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि धोनी की इंडियन टीम में वापसी होना तय है। और धोनी ने जनवरी तक रुकने के लिए शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि टीम इंडिया जनवरी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सीरीज खेलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफी बड़ी टीमें हैं और अच्छी फॉर्म में भी चल रही है। हो सकता है एक्सपीरियंस धोनी की वापसी इन टीमों के खिलाफ कराई जाए। अगर जनवरी में धोनी का सिलेक्शन होता है तो धोनी की वापसी को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ और अनाउंसमेंट होता है तो उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। तो ये थी धोनी की वापसी को लेकर एक जरूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स की ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।